निजी विद्यालय और आरटी की द्वितीय किस्त नहीं मिलने पर संचालकों में रोष, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम, शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन। राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में भुगतान नहीं देने पर संचालकों में रोष व्याप्त है। आज एक शिष्टमंडल ने शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भुगतान के द्वितीय किस्त की मांग की, साथ ही 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। 18 और 19 का आरटी के तहत जो द्वितीय किस्त का भुगतान है, अभी तक अधिकारियों की तानाशाही को चलते हुए और देवनानी की हर धर्मिता को लेकर जो निजी विद्यालयों में जो शिकंजा की बात करती है और जो देवनानी जी शिक्षा के ढांचे को जैसे पूरे राजस्थान में दमन करा है निजी विद्यालयों को, आज तक 1.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल तक शिक्षा विभाग ने किसी भी जिले में भुगतान नहीं किया और सरकार के आदेश अनुसार आधार कार्ड को बाध्यता मानते हुए उस राशि को आगे से आगे बढ़ाते गए। अभी द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं होने के पश्चात भी सत्यापन पूर्ण हो चुके हैं, उसके पश्चात भी उन्होंने भुगतान नहीं किए। आज हमारा शिष्टमंडल प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है, अगर 7 दिन का हमने अल्टीमेट दिया है, यदि 7 दिन में निजी विद्यालयों का अजमेर जिले का भुगतान नहीं होता है तो मैं कुर्सियों पर कब्जा करेंगे और सरकार को घुटना टिकाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी भी हम मीडिया के माध्यम से देवनानी जी को कहना चाहता हूँ कि जो आरटी के तहत द्वितीय किस्त का भुगतान है, ये 7 दिवस के अंदर संपूर्ण राजस्थान में भुगतान हो जाना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की बाध्यता समाप्त करती है उसकी बाध्यता को समाप्त कर भुगतान शीघ्र की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा अजमेर।